दोस्तों ये है Z43 और आज आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको यूज्ड सैमसंग डिवाइस और Z43 ख़रीदना है तो उस पर क्या टेस्ट करना चाहिए आपको। ये टेस्ट हम दोनों स्क्रीन्स पे करेंगे, इसका बिगर इनर स्क्रीन और आउटर स्क्रीन। ये कोड आपको डायल करना है *#0*#, तो आपको ये इस स्क्रीन के ऊपर लेके आएगा। इसमें आप सारे ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं, रेड कलर इज वर्किंग, ग्रीन वर्किंग, ब्लू वर्किंग, स्क्रीन ब्लैक वर्किंग और रिसीवर। आप सुन पा रहे हैं आवाज़, हल्का हल्का एक सायरन बीप सुन रहे हैं, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा लेकिन वाइब्रेशन फ़ोन कर रहा है। अभी ये रियर कैम के लिए है, आप देख पा रहे हैं रियर कैम इज वर्किंग। और अगर हम क्लिक करेंगे तो फ्लैश, आप देख पा रहे हैं फ्लैश भी वर्क कर रहा है। उसके बाद क्रिप सेंसर्स वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसा ग्रिप है, आपने कहाँ से पकड़ा हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू माय हैंड पोजीशन ये ग्रिप सेंसर काम करते हैं और दोनों सेंसर काम कर रहे हैं। आगे सेंसर से आप देख पा रहे होंगे सारे सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, जायरो और मैग्नेटिक सेंसर सब काम कर रहे हैं, कंपास भी कर रही है और फिंगरप्रिंट। सेंसर भी काम कर रहा है, मैं इसको स्वाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन पैनल ऊपर नीचे जा रहा है, ये फिंगरप्रिंट सेंसर को स्वाइप करने के ऊपर है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर रहा है। टच सेंसर, बाद है दूसरा अगेन टच टेस्ट। देन स्पीकर, अभी आप आवाज़ सुन पाएंगे। पहले बॉटम फायरिंग स्पीकर से आवाज़ आई फ्रॉम स्पीकर वन और टॉप स्पीकर से आवाज़ आ रही है फ्रॉम स्पीकर टू।
फ्रंट कैमरा। ये वर्जन है फोन का, एस पेन होगा, ये एस पेन को मैं यूज करूंगा। देख पा रहे हैं अच्छे से होवर हो रहा है, मैं टच नहीं कर रहा हूँ। और एस पेन ड्रॉ, एस पेन होवर अगेन, ये टच नहीं कर रहा। अभी हमको सेम टेस्ट इस ऊपर वाली छोटी स्क्रीन पे भी करने हैं, सेम कोड है। और अभी हम सारे सेंसर चेक कर रहे हैं, रेड ग्रीन और ब्लू कलर, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट। आवाज़ सुन पा रहा हूँ मैं, वाइब्रेशन हो रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है। ये रियर कैमरा है, फ़ोटो क्लिक करके फ्लैश भी चल रहा है, वो भी टेस्ट हो पा रहा है। ये दो तीन बार करें क्योंकि तीन कैमरा है फ़ोन में, तो तीन कैमरों के लिए अलग अलग टेस्ट होता है। अब ये रियर कैमरा 3 का फ़ोटो क्लिक करेंगे और फ्लैश वर्किंग है, ऑल 3 कैमराज वर्किंग। ये ग्रिप सेंसर्स हैं, ऊपर ग्रिप वर्किंग है, नीचे ग्रिप वर्किंग है। आप देख रहे हैं मैं जहाँ से फ़ोन को दबा रहा हूँ वहाँ पे सेंसर काम कर रहे हैं और पता भी चल रहा है। सारे सेंसर्स जो हैं वर्किंग है, हम देख पा रहे हैं सारे सेंसर्स काम कर रहे हैं। ये सेंसर्स के अंदर डिटेल्स हैं, अगर आप चाहें तो आप क्लिक करके अपने फ़ोन में देख सकते हैं। अब ये स्क्रीन का टेस्ट है। आपको ये बात बता दूं कि इस फ़ोन Z Fold 3 में बाहर की जो स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन है, उस पे एस पेन नहीं चलता है, एस पेन सिर्फ अंदर वाली स्क्रीन पे ही चलता है। तो ये टेस्ट सिर्फ मैं फिंगर से करूँगा, एस पेन वाली टेस्ट इस आउटर स्क्रीन पे नहीं कर सकते। जब तक ये पूरे पिक्सल फिल नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी पूरे पिक्सल ठीक हो गए तो ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टेस्ट है स्क्रीन का, उसमें भी थोड़ा बड़ा पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न लेकिन थोड़ा बड़ा है, और इसमें भी हम टच सेंसर चेक कर लेंगे, सारे पिक्सल्स वगैरह इसमें टेस्ट हो जाते हैं। स्पीकर नीचे वाला चल रहा है, ऊपर वाला स्पीकर भी चल रहा है। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमको ज़रूरत नहीं है,
लेकिन अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में मालूम रहे तो वो देख सकता है। फ्रंट कैमरा वर्किंग है, और उसके बाद ये दो तीन ऑप्शन है जो लूप बैक एंड ऑल दैट, वो आपको चाहिए तो देख सकते हैं। वर्जन इस फ़ोन का और एस पेन होवरिंग और एस पेन ऑप्शंस इसमें अवेलेबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये था वीडियो सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स के रिगार्डिंग। मेरे पास Z Fold 3 था जिसके ऊपर मैंने करके टेस्ट आपको बताया है। आप किसी भी सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन के ऊपर ये टेस्ट करके आप उसका हार्डवेयर टेस्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको एज अ यूज्ड फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।